हे गाइस, वेलकम बैक टू जॉब्स और चैनल। तो आज आपके लिए मैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आपके आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के एग्जाम के रिगार्डिंग। तो एक टेंडर पास हुआ है, मुझे लगा आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा डाउट में हैं, क्योंकि एक साल लगभग होने को है और अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है। जुलाई की बोली थी, तो जुलाई 2019 की, लेकिन अब तक एग्ज़ाम नहीं हुआ। तो आज हम जो टेंडर पास हुआ है आरआरबी अजमेर की तरफ से, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। कब कब तक हो सकती है आपकी एग्ज़ाम डेट, आपको और आपके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं और फिलहाल क्या चल रहा है आपके आपके एग्ज़ाम का स्टेटस। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2020, ये है आपकी एग्ज़ाम डेट। ऑफिशियल नोटिस, टेंडर हुआ पास, इंतजार हुआ ख़त्म, एक बार जरूर देखनी चाहिए वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट नोटिस के साथ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड अजमेर का है ये ई टेंडर है। इसके अंदर देखिए, नेम ऑफ द वर्क, एंगेजिंग एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ECA टू कंडक्ट कंप्यूटर बेस्ड टेट एंड ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक प्रोसेसिंग ऑफ रिजल्ट एंड पैनल्स फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रियल्स एंड आइसोलेटेड कैटेगरीज ऑफ इंडियन रेलवे नोटिफाइड इन द सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 3/2019, ठीक है, जो निकली थी। द रिवाइज डेट ऑफ प्री बिड ऑनलाइन सबमिशन ऑफ टेंडर, तो टेंडर पास हुआ है, ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिड्स विल बी अंडर। देखिए, 7 अप्रैल से स्टार्ट होगा शाम के 5:30 बजे से एट आरआरबी अजमेर। लास्ट डेट होगी उसकी टेंडर के सबमिशन की 1/5/2020 एट 15 आवर्स। डेटनिंग एंड ओपनिंग ऑफ टेक्निकल बिट्स 1/5/2020 से 1/5/2020 को एट 15:30 आवर्स। तो ये 1 मई को जो है वो ओपन हो जाएगी टेक्निकल बिट। ऑन ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशन विल रिमेन सेम, जो ये टर्म्स एंड कंडीशन के बेस पर बनाया गया है। कॉरिगेंडम विल बी अवेलेबल एट IRPES पोर्टल, और आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है कि देखिए, अभी कोई भी फाइनलाइज नहीं हुआ है। नेक्स्ट मंथ 7 अप्रैल को ये मतलब टेंडर भेजेंगे, यानी कि अपनी प्री बिड कॉन्फ्रेंस मीटिंग करेंगे। लास्ट डेट जो रहेगी टेंडर की वो 1/5/2020 रहेगी। 1/5, यानी कि आपको मई में पता चलेगा कि आपके एग्जामिनेशन का स्टेटस क्या है, एग्ज़ाम कब होगा, आपके एडमिट कार्ड कब आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट एक्सेप्टेड हो सकता है पहले आ जाए, लेकिन आपका एग्ज़ाम जो है आप ये मान के चलिए, सच बताऊँ मुझे लग रहा है कि आपका जून एंड जुलाई तक इस बार भी खिंच जाएगा अगर सब कुछ सही चलता रहा तो। एंड ये कोरोना वायरस की प्रॉब्लम आ चुकी है, तो कोरोना वायरस हो सकता है डिले हो जाए। तो आप अच्छी तरह प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए, आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिला है स्टडी करने को, अगर एकदम से एग्ज़ाम हो भी जाता है, यानी कि देखिए मई तक तो अप्रैल तक तो है ही नहीं, आप ही मान के चलिए, क्योंकि अभी तक इनकी BD पास नहीं हुई, तो इनकी कोई मीटिंग हेल्ड ही नहीं हुई मतलब, और टेक्निकल बिट्स अभी भी रहती हैं। तो आप ये मान के चलिए, आप ये जानना चाहिए अभी टाइम है आपका एग्ज़ाम में, कम से कम एक मंथ तो ये वाला अप्रैल में तो कुछ नहीं होने वाला आपका। तो आप इतना आप अपनी अच्छी तरह तैयारी कीजिए, अपना ख्याल रखिए, कोरोना वायरस प्रॉब्लम हो रही है, आप अपना टेक केयर, आप अपने आप को टेक केयर करें। एंड जो हमारे PM हैं, मोदी जी हैं, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है, वो कर्फ्यू लगाया है, उसको फॉलो करें प्लीज़। सुबह 7 बजे से 9 बजे तक अपने घर से बिल्कुल बाहर निकलिए, अपनी सेहत का ख्याल रखें अगर रखेंगे, क्योंकि देखिए अपनी इंडिया है, अपने हाथों में है, तो आपको उसका बिल्कुल अच्छी तरह से ख्याल रखना है, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। एंड प्लीज़ अपने आप को अच्छा खाएं, अच्छा पहने और बाहर बिल्कुल ना घूमें प्लीज़। तो घर में ही रहें एंड सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ डिजिटल के थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, डिजिटल इक्विपमेंट्स के थ्रू। तो आप पढ़ाई कीजिए अपनी, अच्छी तरह तैयारी कीजिए, एकदम बेस्ट दीजिए अपना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन बाय विच यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट एज सून एज पॉसिबल, एज सून एज वी अपडेट एनी वीडियोज़ और अपलोड एनी वीडियोज़। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, जय हिंद।